साबुदाने की खीर, चटपटे टेस्टी आलू, खीरे का रायता, ये मूंगफली संदल और ये चटनी, ये फ्रूट और साथ में गर्मा गर्म फूले फूले सिंघाड़े के आटे के पराठे। नमस्कार। और इस थाली में कोई भी रेसिपी तलकर नहीं बनाएंगे, बहुत ही कम घी का यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे साबुदाने की खीर। तो ये आधा लीटर दूध ले लिया फुल क्रीम, फ्लेम ऑन, और अब इसे उबाल आने तक कुक कर लेते हैं। तो तेज़ फ्लेम पे कर लेते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। दूध में उफान आ गया, फ्लेम को करते हैं मीडियम और थोड़ा सा इसे चला देते हैं। दूध को जब आप चलाएं तो चमचे को बर्तन के तले में ले जाकर चलाएं। अब इसमें डालेंगे साबुदाने। ये एक चौथाई कप साबुदाना अच्छे तरीके से धोकर दो घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। देखिए जैसे मैं इसको मैश कर रही हूँ तो ये मैश हो जा रहा है। इससे क्या होता है, खीर बहुत जल्दी कुक हो जाती है। और दूध उबलने में 4 मिनट लगे थे और अब देखते हैं खीर कितनी जल्दी बनती है। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और चमचे को बिल्कुल बर्तन के तले में इस तरीके से एक बार घुमा देते हैं ताकि ये लगे ना। इसे कुक होते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। हर 1-2 मिनट में हम इसे चलाते गए हैं और ये देखिए काफ़ी गाढ़ी दिख रही है। साबुदाने जब ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तब आप समझिए ये कुक हो गए और खीर भी बनकर तैयार हो जाती है। अभी ये आपको थोड़ी सी पतली दिख रही है लेकिन बाद में जैसे जैसे ये ठंडी होगी अच्छी गाढ़ी होती चली जाएगी। तो अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये 1 छोटी चम्मच बारीक कटे हुए बादाम और 1 चम्मच बारीक कटे हुए काजू, 2-3 काजू काट लिए हैं, और ये 1 चम्मच किशमिश। ये थोड़ी फूल जाएंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खीर में ये। बाकी ड्राई फ्रूट तो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा या जो भी ड्राई फ्रूट आपको अच्छे लगे वो डालिए, जो नहीं अच्छे लगे वो हटा दीजिए। ये बहुत गाढ़ी हो चली है, आप इसको अब जल्दी जल्दी चलाइए, बिल्कुल भी छोड़िए मत। ये 1/4 कप चीनी वजन में 50 ग्राम, मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये 3 छोटी इलायची को दरदरा कूट कर ले लिया है। साबुदाने डालने के बाद हमने 12 मिनट तक इसे कुक किया। दूध उबालने में 4 मिनट लगे, यानी 16 मिनट में खीर पूरे तरीके से बनकर तैयार। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे उतार लेते हैं। अब बना लेते हैं सूखे आलू। ये 4 आलू उबाल कर ले लिए, वजन में 250 ग्राम। काट कर टुकड़े बना लेते हैं, थोड़े से बड़े टुकड़े बना रही हूँ मैं। पैन ले लिया और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी आप अपने पसंद से थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए और फ्लेम कर दीजिए धीमी ताकि मसाले जले ना। 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। हल्का सा भून लें और ये 1 छोटा सा टमाटर काट के ले लिया है, बीज हटा दिए हैं। फ्लेम मीडियम कर लीजिए आप और ये 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सेंधा नमक या स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए और 1/2 छोटी चम्मच क्रस्ड काली मिर्च। व्रत में लाल मिर्च का यूज़ नहीं करते तो काली मिर्च और हरी मिर्च डालते हैं। मिलाया और हल्का सा भून लिया और टमाटर को मैश नहीं कर रहे, अब इसमें डाल देंगे आलू और इन सब मसालों के साथ में आलू को भूनते हैं। हम इन्हें घी में बना रहे हैं, आप जो भी तेल व्रत में यूज़ करते हैं उस तेल में भी बना सकते हैं इन्हें। इनको थोड़ा सा इस तरीके से कढ़ाई में खुले ही थोड़ा सा भून लें, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। वैसे तो आलू 2-3 मिनट में ही कुक हो जाता है। इन्हें मैं हाई मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। मैंने आलू में खट्टा स्वाद देने के लिए थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है। आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो जब आलू कुक हो जाए तब 1/2 नींबू का रस निचोड़ कर डाल दीजिए। और आप इन्हें बिना टमाटर बिना नींबू के भी बना सकते हैं। मैंने इन्हें 6-7 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पलट पलट के कुक कर लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब फाइनली इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और फ्लेम बंद कर देते हैं, मिक्स कर देंगे। ये सूखे क्रिस्पी टेस्टी आलू बनकर तैयार हो गए। अब बनाएंगे मूंगफली सुंदल। ये मूंगफली के कच्चे दाने 1/2 कप
2 घंटे पहले ही धोकर पानी में भिगो दिए हैं। पानी हटा देते हैं, 2 घंटे में अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें भिगोने के लिए हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं और इसमें डाल दीजिए 1/2 कप पानी। कुकर का ढक्कन बंद, अब हाई फ्लेम पर सीटी आने दीजिए। इसके बाद फ्लेम को धीमा कर दीजिए और धीमी फ्लेम पर 5 मिनट कुक होने दीजिए। इसके बाद फ्लेम बंद और कुकर ठंडा होने दीजिए। तब तक चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये 1 कप मोटा मोटा कटा हुआ हरा धनिया, 3 छोटे साइज के हरे मिर्च, इनके 2 टुकड़े कर देते हैं, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसके भी मोटे मोटे टुकड़े काट देते हैं, 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, और ये 1/2 कप ताज़ा हरा नारियल ग्रेट किया हुआ। जब भी नारियल आता है उसे ग्रेट करके फ्रीजर में रख लेते हैं और जब भी कुछ बनाना हो फटाफट निकाल लेते हैं। और ये 1 नींबू, थोड़ा ये मीडियम साइज़ का नींबू है, मैं इसका थोड़ा सा कम रस निचोड़ के डाल रही हूँ। अगर छोटा नींबू हो तो पूरा अच्छे तरीके से निचोड़ दीजिए। 1-2 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए और अब इसे बारीक पीस लेते हैं। ये चटनी पिस गई, देख इसे निकाल लेते हैं एक प्याली में। अब बनाते हैं खीरे का रायता। प्याले में 1 कप दही निकाल लिया और इसको थोड़ा सा मथ के स्मूथ बना लेते हैं। ये 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक या स्वाद अनुसार ले लीजिए, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा हरा धनिया, बस बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे रायते में। अब हम डालेंगे खीरा, इसका आगे पीछे का थोड़ा सा पार्ट हटा देंगे। और ये खीरा हाइब्रिड क्वालिटी के हैं तो कड़वे बिल्कुल नहीं होते। देसी वाले खीरे ले रहे हैं तो फिर उनका थोड़ा सा ज़्यादा आगे का हिस्सा काटकर हटा दीजिए। इस खीरे को छीलने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसका छिलका भी बहुत पतला होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो ये खीरे को इस दही में डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। ये रायता तैयार हो गया और इतनी देर में हमारा कुकर भी ठंडा हो गया और ये मूंगफली अच्छे से उबल के तैयार हो गई। ऐसे आप मैश करें तो मैश नहीं होंगी, लेकिन ये बॉईल है पूरी तरीके से। अब ये एक कढ़ाई ले ली फ्लेम ऑन और इसमें डाल दिया 1 छोटी चम्मच घी। घी को मेल्ट कर लेते हैं। गरम घी में 1/4 छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्का सा भूना। और अब ये मूंगफली के दाने, 1/2 छोटी चम्मच व्रत वाला नमक, ये 2 टेबल स्पून ताज़ा हरा नारियल ग्रेट किया हुआ। अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं हो तो इसकी जगह आप सूखा नारियल ग्रेट करके ले लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाते हुए 1 मिनट कुक कर लीजिए। ये सारा कुछ पहले से ही कुक्ड है। फ्लेम बंद और ये प्याले में निकाल लीजिए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, कभी आप इसे व्रत के लिए अकेला भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया। ये मूंगफली संदल तैयार हो गया। अब पराठे का डो बनाना है, उसके लिए ले लिए हैं 4 कच्चे आलू छीलकर, वजन में 250 ग्राम। इन्हें बारीक पीसना है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा काट लीजिए। ये आलू कट गए, अब इन्हें डाल दीजिए मीडियम साइज वाले जार में। 1 छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक या 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, 1 चम्मच कटे हुए हरे मिर्च या 2 छोटे साइज के हरे मिर्च ले लीजिए और अब इन्हें एकदम बारीक पीस लीजिए, पानी मत डालिए। ये आलू पीसकर तैयार हो गए, एकदम बारीक आलू पीस लिए। आलू के चंक्स नहीं रहने चाहिए, पेस्ट बन जाना चाहिए पूरा। ये 1 कप सिंघाड़े का आटा और ये आलू का पेस्ट, इसके अंदर 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक व्रत वाला या स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च और 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो पहले तो इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये डो थोड़ा सा पतला हो रहा है तो इसमें हम सिंघाड़े का आटा और डालेंगे। थोड़ा सा डालते हैं और मिक्स करते हैं। हमें वैसा ही डो बनाना है जैसा कि हम नॉर्मल पराठों के लिए डो बनाते हैं। ये पूरा 1.5 कप आटा इसमें लग गया
और अब ये लग रहा है पूरा अच्छे से डो फॉर्म में आ गया है। और पूरा 250 ग्राम आटा हमने यूज़ कर लिया, यानी जितना आलू उतना सिंघाड़े का आटा। अलग अलग आटे अलग अलग मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करते हैं। और ये थोड़ा सा घी, और अब डो को थोड़ा और स्मूथ बनाते हैं। आप इस डो में मसाले अपने अनुसार डाल सकते हैं। अगर थोड़ा चटपटा बनाना चाहते हैं थोड़ी सी और हरी मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च और डाल दीजिए। तो ये देखिए नरम सा डो लग के तैयार हो गया। इसको सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब फ्रूट काट लेते हैं। तो ये एक बनाना ले लिया, फ्रूट आप अपनी पसंद के ले सकते हैं और चाहे जितना मन हो उतना काट लीजिए। और ये एप्पल, ये आधा एप्पल काट लिया हमने। और ये थोड़े से ग्रेप्स। अब इसमें डाल देते हैं एक छोटी चम्मच नींबू का रस, और ये आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम सेंधा नमक, या अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो ये बन गया फ्रूट सैलड। साबूदाने की खीर, चटपटे टेस्टी आलू, खीरे का रायता, और ये मूंगफली संदल, और ये तीखी चटपटी चटनी, और ये फ्रूट। तो ये थाली तैयार हो गई। अब गर्मा गर्म पराठे सेकते जाएंगे और परोसते जाएंगे। इसे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, ये भी सेट हो गया। थोड़ा सा हाथ पर घी ले लीजिए और इसको थोड़ा सा मसल लीजिए। आप इस आटे में बॉयल आलू भी बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन इस बार आप कच्चे आलू पीस कर इस तरीके से मिलाकर डो बनाइए। पराठे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और ज़्यादा कुरकुरे भी बनेंगे। थोड़ा सा डो निकाला और इसे गोल करिए और इस तरीके से दबा कर पेड़ा बना लीजिए। और अब इसे सूखे सिंघाड़े के आटे में लपेट लीजिए और थोड़ा इस तरीके से हाथ से चकलोई बना लीजिए। ऐसा करने से पराठा आसानी से बढ़ जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, और अब इसे फिर से सूखे आटे में लपेट लीजिए और चकले पर रखिए। और अब कम प्रेशर लगाते हुए बेलिए। किनारों से बेलना है, बीच में नहीं बेलना। आप इसे एज इट ऐसा ही सेक सकते हैं। थोड़े से किनारे फटे फटे हैं, थिकनेस देखिए, इसी थिकनेस में ये पराठे बनेंगे। थोड़े से मोटे रखे जाते हैं। और आप चाहें तो इन्हें ढक्कन से काट कर किनारे गोल कर सकते हैं। थोड़े छोटे साइज के ही पराठे बना रहे हैं। एक्स्ट्रा आटा हटा कर उसी आटे में जोड़ दीजिए और इसे थोड़ा सा चाकू या किसी स्क्रैपर की हेल्प से निकाल लीजिए। तवा गरम कर लिया और पहली बार थोड़ा सा घी डाल दीजिए और ये पराठा सिकने के लिए डाल दीजिए। अब लो मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने दीजिए। ऊपर का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, ये नीचे से सिक गया, और इसे आप पलट देते हैं। थोड़ा सा घी लगा देते हैं इधर और इसे पलट लेते हैं। थोड़ा सा घी इधर भी लगा दीजिए और ये देखिए फूल रहा है पराठा। पलट पलट कर दोनों ओर अच्छी सी गोल्डन चित्ती आने तक सेक लीजिए। इसमें दोनों ओर अच्छी गोल्डन चित्ती आ गई, ये सिककर तैयार है। सारे पराठे इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लीजिए। और फ्लेम इनके लिए आप लो मीडियम ही रखिए, ज़्यादा तेज मत करिए। पराठे हमने सेक कर तैयार कर लिए। एक पराठे को सिकने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। इतने डो से 7 से 8 पराठे बन जाएंगे। तो ये गर्मा गर्म पराठे, जितने पराठे खाने हैं उतने सर्व कर लीजिए। व्रत की थाली तैयार है और इसमें सारी रेसिपी ऐसी हैं जो बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये थाली पूरी एक साथ तैयार करें। आपको इनमें से जो भी डिश पसंद हो, 1 या 2 3, वो आप बनाएं और सर्व करें। तो आप इस थाली को या इसमें से जो भी डिश पसंद आती है आपको बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।